हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है जफर अली। उम्मीद करता हूँ लोग ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो को देख रहा हूँ वो बिहाइंड द सीन है अनुपमा शो के। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे और मुझे नई वीडियो के बारे में लास्ट वीक कमेंट में बताइएगा। रील्स वीडियो भी आएंगी कल से इंशाल्लाह। तो आज ब्लॉग्स देखते हैं और कल से रील्स भी स्टार्ट होंगी। रील्स का मुझे बताइएगा यूजर नेम और साथ लिखा करें रील्स। जब मैं रील्स लिखता हूँ ना सर्च में तो वो फिर सारी रील्स वाली वीडियोस आ जाती हैं। तो लाजमी इस तरह लिखिएगा। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस बंदे की मैंने वो अनुपमा शो देखा था, उसके अंदर मैंने रील्स देखी। कान छोटे बच्चे सेट वैसे ना आम से लगता है कि हमने इधर इधर किया हुआ। वैसे फिर जब ड्रामे के अंदर देखते हैं तो बहुत ही हैवी है। बड़े लोग हैं यार मामा जी। इनकी भी मैंने वीडियोस देखी। अच्छा, आपकी भी देखी है मैंने। आप किस दिन है बर्थडे? थैंक यू। हाय हाय। मम्मी मम्मी, हाँ बेटा, वो खुशी नाम की लड़की जब रोती तो कोई उसके आंसू नहीं पोंछता। क्यों? क्यों? क्योंकि वो खुशी के आंसू होते है ना। सही है। राजन, विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। विश यू लाइफ टाइम ऑफ हैप्पीनेस। विश यू हेल्थ, लॉट्स ऑफ लव एंड एवरीथिंग दैट यू विश फॉर एंड मच मच मोर। यू सच अ फैबुलस ह्यूमन बींग दैट यू डिजर्व। लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। ओके, बाय बाय। हैप्पी बर्थडे। नया बनाने में हां हां इनकी थी बर्थडे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आज डबल सेलिब्रेशन है सेट पर। एक तो सर का बर्थडे, ऊपर से दिया अभी लाइक नंबर वन शो। सेलिब्रेशन कर रहे हैं मगर विद ऑल प्रोटोकॉल्स। अभी खाली इस बाइट्स के लिए और केक कटिंग के लिए हमने मास्क उतारा है। अदरवाइज दे वॉन्ट टू अ बिगेस्ट है, मतलब ही वुड हैव डन, मगर हमने डिसाइड किया जो यूनिट है, जो हमारे एक्टर्स हैं, सारी टीम है, उनके साथ एक छोटा सेलिब्रेशन करते हैं, थैंक्स गिविंग करते हैं। और खुशी हो रही है कि आज एक अच्छा दिन है, अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर रहा हूँ मैं, अपनी मदर के साथ और ये फैमिली जो मेरी अनुपमा है उनके साथ स्पेंड कर रहा हूँ बर्थडे की शुरुआत। एंड आज विद गॉड्स ब्लेसिंग्स हमारे शो की हाईएस्ट टीआरपी, इट वाज डूइंग वेल, बट हाईएस्ट टीआरपी 3.8 अनाउंस हुई जब मैं केक काट रहा था। तो आई थिंक ये एक ऊपर वाले का आशीर्वाद है, गिफ्ट है। वी नीड ऑडियंसेस ब्लेसिंग्स एंड विशेस। कैसे मेहनत कर रहे हैं सर? लॉन्च से ही आप कहते आ रहे हैं कि ये शो आपके लिए बहुत खास है, इसमें आपकी मम्मी जुड़ी हुई है। लॉन्च से ही हमने ये सुना है सर, बार बार। ये इनका प्रोड्यूसर। अब तक का सफर किस तरह से डिस्क्राइब करना चाहेंगे? बहुत खूबसूरत है। ये तो शुरुआत है सफर की। जब शो स्टार्ट किया था तो मैंने पहली बार एक हमने नई कंपनी की शुरुआत करी, डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन के बाद शाही प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। ये मैं कंपनी में को प्रोड्यूस कर रहा हूँ अनुपमा शो अपनी मदर दीपा शाही के साथ। तो शुरुआत अच्छी हुई, ऑफकोर्स थोड़े उतार चढ़ाव आए, बट आई थिंक फॉर द बेस्ट है बिकॉज टीम में एक बहुत अच्छा जज्बा था और एक दूसरे के लिए बहुत बिलीव था कि हम साथ में, मतलब हमको पता नहीं टीआरपीस क्या आने वाली थी लॉकडाउन के बाद। टीआरपीस ऐसे कैलकुलेट कैसे होती है मुझे ये नहीं पता। एक हाउसवाइफ की कहानी लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, हमको 90% लोगों ने कहा था नहीं देखेंगे। ये क्या हाउसवाइफ, कुछ यंग लव स्टोरी दिखाओ, थोड़ा गेम मिक्स करो, बड़े बड़े सेट्स बनाओ, रोना धोना ड्रामा करो। बड़ी हमारी टीम की कन्विक्शन थी, सारे टीम मेंबर्स की कन्विक्शन थी कि नहीं अनुपमा शो बनाएंगे, अपने कन्विक्शन से बनाएंगे, जो जिस तरह के शोज चल रहे हैं अभी उसके बिल्कुल विपरीत। लॉकडाउन के बाद हमने ये शो बनाया एंड थैंक यू टू द ऑडियंस कि आज मैंने देखे हैं वो काफी फन करते हैं। सपोर्ट आंटी आपसे जानना चाहेंगे सर, आपकी इतनी हाई आई है, क्या ब्लेसिंग देना चाहेंगे? ब्लेसिंग इज अबाउट टू कंटिन्यू एज इट इज एंड ये क्या ठोक रहे हैं बीच।
रिपाली मैम, जब अनाउंसमेंट हुई तो आई सॉ यू वेरी इमोशनल एंड लाइक फॉर ऑल द हार्ड वर्क दैट यू आर पुटिंग इन आर स्टेइंग अवे फ्रॉम योर फैमिली फॉर सो मच टाइम. यू हैव मेड अ न्यू फैमिली बट ऑल्सो यू मिस योर चाइल्ड एंड ऑल एट होम. बट ये एक वैलिडेशन है और एक एनकरेजमेंट है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक. सो इतना सारा प्यार मिल रहा है तो जो ऐसे बंदे करना पड़ता है उतनी ऑनेस्टी. एक तरफ तो जाना पड़ता है ऑब्वियसली, एक तरफ छोड़ना पड़ती है, ये दोनों तरफ. व्हाट्स योर फीलिंग अबाउट 5th September 2000 दिल है के मानता नहीं लॉन्च्ड एंड दैट वाज माय फर्स्ट शो एज ऑन टेलीविजन एज एन एक्टर. And he was my director. It was his first show as a director. Debut show. हम दोनों का debut. So वहाँ से जो I think तब जो potential इन्होंने मुझ में देखा वो आज उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उन्हें सही prove कर सकूँ. और आपने potential मुझ में देखा. क्योंकि रूपाली जब मैं पहली बार मिला तो रूपाली was little hesitant to make a comeback. मैंने कहा था राजन, I mean she's a very very touched. What I realized one. A beautiful family she has, Ashwin, and I met her son and all. A beautiful knit family, and she said, Rajan, abhi main kaam karu, nahi karu, you know, like, you know, confused, you have another responsibility. So I was all the time, ki abhi Rupali karegi, nahi karegi. But isle main kehna chahunga ki jitna unhone support kiya, unki family ne, Ashwin, everybody really supported us and believed in us, you know, that yes, we will create a show for the family and thank you. Ye interview ho gaya behind the scene, like, kaafi lamba interview. मुझे सबसे ज़्यादा इन पर बिलीव था बिकॉज द वे ही टोल्ड द स्टोरी. जब कोई नरेटर आपको स्टोरी सुनाता है, व्हेन यू आर हुक्ड ऑन टू दैट नरेशन, तो जब वो देखेंगे तो वो उससे ज़्यादा ही बढ़कर आएगा. तो इतना बिलीव था कि ये जिस तरह से ये स्टोरी बोलेंगे, जिस तरह से ये ले आएंगे ऑडियंस के सामने, ऑडियंस को इस स्टोरी से कनेक्ट होना ही है. और मैं देखा है काफ़ी अच्छा रिस्पांस आता है. तब टीआरपी वगैरह ये सब नहीं सोचा था, यही सोचा था कि ऑनेस्टी से पूरी शिद्दत के साथ ये काम करना है जो ये भरोसा मुझ में कर रहे हैं. ये रोल क्या ठोक रहे हो एट 40+ यू आर प्लेइंग द प्रोटैगनिस्ट. एंड जब वो इतना भरोसा कर रहे हैं तो इनका भरोसा चाहे कुछ भी हो तोड़ना नहीं उन्हें प्राउड फील कराना था मुझे. सो इट वॉज फॉर दीज टू मैन, इनको इनका भरोसा नहीं तोड़ना था और उनको अपने आप पर प्राउड फील कराना था. Even the show and even your character has been awarded by Dada Saheb Phalke Award. Anything you want to say about that? Thank you award is a validation of the hard work and the efforts that the entire team puts in. I am just the face. So it is obviously from my director and the team. The entire unit, how hard they work. They are probably here before we actors come. The writers, the so much of brainstorming before the scenes come to us. So actors are a very small part. They are just the face of a show that so much efforts go into making a show. So thank you so much. Any award is a validation of everybody's work. Rajan sir को मैं यही कहना चाहूँगी, I wish him health, I wish him happiness. And I wish him all that he's wished for and much, much more. चारा लगा लिया. सही है. And TRP's, his favorite show is, I'm biased also, but I know that your favorite show is Anupama. Anupama. So. नाम भी अच्छा है. Favorite show जान है, but ये रिश्ता कहलाता है इन Anupama two of the like you know like. ये रिश्ता तो इसका heart and soul. It's the pillar of DKP. I'm very happy कि 2020 में हमने अच्छे shows लेके आए. ये रिश्ता कहलाता है, रिश्ते प्यार के, और फिर icing on the cake आ गया Anupama. So somewhere 2020 has been a very blessed year for all of us. Absolutely, it is a blessing that you know people are so worried about things that are happening around. Despite that, if they get like that half an hour of relief through the shows, अच्छे इंडिया में कितने मिनट का था? 20 मिनट का, 22 मिनट का? अमेरिका से कितने मिनट का लगता है? Blessing for us.
दिल्ली बेस पे 20 थैंक यू सो मच टू एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड जस्ट से दैट happy birthday Radhu sir, thank you so much for giving this wonderful show jo ki aaj number 1 chal raha hai, jo itne hafton se number 1 chal raha hai aur aaj to record tod diya 3.8 yaar, so all the great news to the entire team and first of all Radhu sir, jinka birthday, so it's like a present for Radhu sir. Radhu sir is a very good human being, so it's 100% sure that sari achhi cheeze unke sath hogi, to ye ek achhi cheez unke birthday par hui hai, that is it's the highest TRP for the entire team for Anupama, that's 3.8. आप बोले आप सो हैप्पी बर्थडे फर्स्ट ऑफ ऑल राजन सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस वंडरफुल शो. आई मीन जस्ट बीन अ लवली जर्नी टू डे वन एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी नंदिनी एंड आई वुड लाइक टू विश राजन सर ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पीनेस फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड. थैंक यू सो मच एंड या सो यू नो इट वॉज माई ड्रीम टू वर्क विद राजन सर, लाइक आई हैव बीन यू नो वॉचिंग हिज शोज सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, आई वॉज अ स्मॉल किड व्हेन आई यूज्ड टू वॉच फर्स्ट शो विद आई विद माई एंटायर फैमिली. सो व्हेन आई ग्रू अप एंड व्हेन आई केम टू मुंबई माई फर्स्ट एवर एम वॉज टू वर्क विद राजन सर, राजन शाही सर. सो I met him 4 years back for the show. So right now when I met him for this show, he gave me this opportunity to play this character called Summer, which is very iconic and people are loving this character a lot everywhere. Just people are saying, "Beta ho to Summer jaisa." So ye identity mujhe sir ne di hai. And sir ki agar baat karu to sir puri team ko family ki tarah rakhte hain. Hum jab bhi milte hain sir se, sare team members from from spot dada, from lightman to cameraman, everyone he treats like his family. जो होता है प्रॉब्लम होती है, लॉकडाउन में भी सर ने सबकी बहुत हेल्प की एंड आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक हिम फॉर दैट ग्रेट इनिशिएटिव. प्रोड्यूसर बहुत कम है इंडस्ट्री में, यही है लाइक हमारे भी थे ना वर्कशॉप पे लड़के बहुत अच्छे, हमने भी उनकी लाइक करनी पड़ती है, कईयों ने तो उन्हें निकाल दिया, फिर जो जितना हमसे हो सकता था हमने उनको वापस रखा अपने पास, वो भी हमारे पास ही काम कर रहे हैं. राजन सर इज लाइक यू नो आई वाज a bit scared, you know, like at first, you know, he's a such a big name first of all, and I was grateful, and when I got to know that I'm going to be a part of this show, it was, you know, unbelievable. The first time I met him, he was so humble, so down. देख के लग रहा था. I couldn't believe that जिनकी बर्थडे की बात कर रहे हैं. इतना हो सकता है, and he is not just with us, he's with everyone, like it's like same. So I feel unke sath sab kuch it's God's blessings I feel, and the way you are aise kehte hai ki jaise aap rehte ho waise bhagwan aapko blessings dete hai. So yeah. Okay, lastly Rajan sir ko kya wishes, kya blessing aap dena chahenge and fans ko kya kehna chahenge jo hamesha se itna pyar diya, show ko number 1 banaye rakha. Thank you so much. Thank you so much to the audience and thank you so much Rajan sir. Agar Rajan sir ne opportunity nahi di hoti to hum log yahan hote nahi. Hum log Rajan pura aaye hame wo feeling bhi nahi aati ki right now we are loved so much by the entire country, the entire world, people from the other countries are also watching this show and like I've been receiving Pakistan mein aati but mera ek juhar so much audience for watching our show and for loving so much and Rajan sir I just wish that duniya mein jitni zari achhi cheeze ho utni jitni khushiyan ho sari khushiyan aapko mile because you deserve it. Happy birthday Rajan sir. Happy birthday sir and keep loving us, keep watching us, keep supporting us अच्छी चीजें होती हैं, इनको नोट कर लेना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए बंदे को. बट वीडियो अच्छी थी, मजा आया. बस इंटरव्यू था, मुझे लगा बिहाइंड द सीन होगा. स्टार्ट पे उन्होंने जिन्होंने भी बनाई है उन्होंने बिहाइंड द सीन डाल के ना थोड़े से छोटे छोटे और आगे लंबा इंटरव्यू चला दिया. तो मुझे तो लिंक कोई मतलब कि इंटरव्यू कह देते ऊपर इंटरव्यू है तो मैं इंटरव्यू सुन लेता. तो लाइक बिहाइंड द सीन करके तो ना दिखाना चाहिए था. चले कोई नहीं, फिर अगली दफा सही मुझे लिंक यार अच्छे से दिया करो. तो देते नहीं हो, कसम से नहीं देते कुछ. मैं डेली नोट करता हूँ ना लिंक्स, तो नहीं होते, इतने नहीं होते, 5-6 ही होते हैं, उनमें से भी कोई अच्छी चीज़ मुश्किल से ही मिलती है. तो चले मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.